हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, आज नीट यूजी काउंसलिंग शेड्यूल जो है जारी हो चुका है। आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, कब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कब फाइनल जो काउंसलिंग की कट ऑफ है वो जारी कर दी जाएगी, आपको कब किस टाइम रिपोर्ट करना है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड ही हर टाइप के इन्फॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, नीट यूजी और नीट पीजी दोनों से रिलेटेड की ही पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो गाइस, जो MCC काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है, तो MCC ने अपना काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। कब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो गाइज, एक ऑफिशियल नोटिस साथ में जारी हुआ है और एक काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ है। एक बार पहले हम ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, किसके रिगार्डिंग है ये शेड्यूल नीट। गाइज, ये PG है, काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 2022 फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा रिगार्डिंग। तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के ही रिगार्डिंग है ये। तो इसमें क्या लिखा है, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट मैटर। देखिए गाइज, आप देख लीजिएगा, MCC और जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है वो काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी और ये रिक्वेस्ट भेज दी गई है NMC की वेबसाइट पर। और आपको ये फ़िलहाल जो मिलेगा ये NMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा। कब से स्टार्ट हो रही है काउंसलिंग, अकेडमिक ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं, इट मे बी स्टार्टेड फ्रॉम 20th अक्टूबर से आपका जो है अकेडमिक सेशन गाइज स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो दी गई है, तो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 15 सितंबर से, और 15 सितंबर टू 23 सितंबर तक ये चलेगा। उसके बाद गाइस, जो पेमेंट फैसिलिटी रहेगी वो 23 सितंबर नाइट 8 PM तक आप कर पाएंगे। ठीक है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो टाइम रहेगा वो 20 सितंबर टू 25 सितंबर तक रहेगा। चॉइस लॉकिंग का 25 सितंबर को इवनिंग 3 PM टू 11:55 PM तक रहने वाला है। उसके बाद जो इंटरनल वेरिफिकेशन होगा कैंडिडेट्स का यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, वो 23 सितंबर से 24 सितंबर रहेगा। सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है 26 सितंबर टू 27 सितंबर चलेगा। रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगी 28 सितंबर को, और रिपोर्टिंग आपको करनी है 29 सितंबर टू 4 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद गाइज नेक्स्ट है आपका जो सेकंड राउंड है, उसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग मैंने बताया था फर्स्ट राउंड, ये है सेकंड राउंड। तो इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 10th अक्टूबर से 14th अक्टूबर तक। ठीक है, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो रहेगा वो 11th अक्टूबर से 14th अक्टूबर तक रहेगा। इंटरनल वेरिफिकेशन होगा जो कैंडिडेट्स का, वो 14th अक्टूबर टू 16th अक्टूबर तक रहेगा। और सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस 17 अक्टूबर से 18 अक्टूबर चलेगा। रिजल्ट 19th अक्टूबर को अनाउंस हो जाएगा सेकेंड राउंड का, और आपको रिपोर्ट करना है 20th अक्टूबर से 26th अक्टूबर तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड राउंड आता है आपका मॉपअप राउंड, और मॉपअप राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना है 31st अक्टूबर से 4th नवंबर तक। पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी 4th नवंबर को नाइट 8 PM तक। चॉइस फिलिंग और जो लॉगिंग रहेगा वो 1st नवंबर से 5th नवंबर तक रहेगा, और लॉकिंग का जो रहेगा वो 5th नवंबर को इवनिंग 3 PM टू 11:55 PM तक रहेगा। वेरिफिकेशन जो होगा कैंडिडेट का वो 4th नवंबर टू 6th नवंबर चलेगा। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 7th टू 8th नवंबर, और रिजल्ट गाइज फाइनली 9th नवंबर को अनाउंस कर दिया जाएगा। और जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा उनको रिपोर्ट करना है पर्टिकुलर कॉलेजेस के अंदर 10th नवंबर से 14th नवंबर तक। ठीक है, उसके बाद गाइज कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है जो आपको फॉलो करनी है। कोई भी नया रजिस्ट्रेशन या पेमेंट ऑप्शन नहीं होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर, क्योंकि जो 4th राउंड होता है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। तो कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं होगी। द चॉइस एक्सरसाइज बाई कैंडिडेट इन मॉपअप राउंड विल बी कंसिडर्ड, जो आप मॉपअप राउंड के अंदर फिलअप करेंगे वही कंसिडर किया जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर। और जो अलॉटमेंट होगा सीट प्रोसेस का वो ऑनलाइन रहेगा बाई रनिंग सॉफ्टवेयर। जो इतने भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे जो कि होल्ड नहीं कर पाएंगे सीट, कैन ओनली पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, ओनली वही पार्टिसिपेट करेंगे
करेंगे और सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस होगा वो 15 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगा। 17 नवंबर को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और रिपोर्टिंग गाइज आपको करनी है 18 नवंबर से 25 नवंबर तक, ठीक है। तो जो लिस्ट है स्टूडेंट्स की वो फॉरवर्ड कर दी गई है इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इक्वलिंग टू 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंट्स टू द डीम्ड यूनिवर्सिटीज बाई द काउंसलिंग अथॉरिटी आफ्टर द सीट प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, वो नोट भी आपको देख लेना है। क्या दिया है? फॉर एंसरिंग फेथफुल ओविडेंस ऑफ टाइम शेड्यूल एंड ऑल्सो कीप इन व्यू द लिमिटेड टाइम अवेलेबल फॉर कंडक्टिंग काउंसलिंग ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस आर डायरेक्टेड टू ट्रीट ऑल सैटरडे संडे एंड गेस्टेड हॉलीडेज एज वर्किंग डेज, ठीक है। कोई सैटरडे संडे नहीं रहेगा, जितने भी हॉलीडे रहेंगे वो सब वर्किंग रहेंगे काउंसलिंग जो शेड्यूल के दौरान जितने भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली यहाँ दिया गया है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया कोटा का कब होगा, डीम्ड प्लस सेंट्रल इंस्टीट्यूट का कब होगा, स्टेट काउंसलिंग कब होगी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन गाइज यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ये आपको अच्छे से देख लेना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।